Peter? Onada! कहाँ हो तुम बंदता? ¿Dónde está? की आरती के लिए बस थोड़ी समय बाकी है, बस थोड़ी देर और तू लड़ ले अपनी भाग्य से, फिर तेरे माथे में ये जो बदनामी का दाग है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा, हमेशा के लिए मिट जाएगा मेरी बच्ची। तुम्हें तो गलत जड़ी बूटी देकर बेसुध किया है ठाकुर माने, लेकिन वो खुद बूढ़ी वादी परंपराओं के कारण बेसुध हो गई, अंधी हो गई, अपनी बदला लेने की सिद्ध में, अपनी नफरत में अंधी हो गई। वो समझ नहीं पा रहा कि वो खुद एक औरत होकर एक दूसरी औरत को, एक लड़की को अशुद्ध कैसे मान सकती, कैसे मान सकती वो तुम्हें अपवित्र। घबराओ मत पांडिता, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे सखा बाबू आ गए हैं ना पांडिता, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। Thank you.
कौन देता? सुमति रुक जा, कुछ नहीं होगा बोंदिता को। ये शुद्धिकरण अगर अधूरा रह गया तो तेरी बोंदिता को पूरी जिंदगी अकेलेपन की कड़वाहट के साथ गुजारनी पड़ेगी। क्या तू चाहती है कि तेरी बेटी के साथ ऐसा हो? चाहती है कि अकेली रह जाए बोंदिता? अरे अकेले तो अपना चेहरा भी नहीं देखा जाता आईने में बहुत देर तक। अगर बोंदिता के साथ उसके पति का साथ नहीं हुआ तो ये जमाना तो उसे नोच खाएगा। आज शायद वो जिंदा बच्चा है लेकिन अगर अकेली रह गई तो रोजाना मौत मरेगी वो। सोच ले, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा उसको। वो आएगी, वो बिल्कुल पवित्र होकर बाहर आएगी। बाप, ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आप अभी बोल रही हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ठाकुर माँ, तो मैं आप ही के आप ही अपनी नस काट लूंगी और यहीं मर जाऊंगी। चिल्ला मत। बोंदिता की दुर्गा माँ, अब आप ही बचा सकती हैं बोंदिता को। गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे श्रुति कंठ कुटुंबिनी पूरी कुटुंबिनी पूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्गर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरथे त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी तिर्विश मोषिणी घोषरथे धनुज निरोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बोंदिता,
तुम्हारी पितामा ने हमें बचा लिया था पिता, तुम्हें बचा लिया, तुम्हारी दुर्गा माँ ने हमें बचा लिया। चलो चलो यहाँ से चलते हैं बॉम्ब का संभल कर। आने की जरूरत नहीं है, वंदिता बिल्कुल ठीक होगी। तो शुक्र मना कि उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं, जिसका मतलब वो जिंदा है। अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, मंदिर की आरती शुरू हो जाएगी, शंख सुनाई देगा, तब हम सब जाएंगे ना अंदर। सब ठीक है, सब ठीक है। वंदिता, तुम ठीक तो हो ना? वंदिता, वंदिता, होश में आओ। वंदिता, कुछ नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। वंदिता, देखो 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 मुझे। सुखा बाबू, मैं हूँ वंदिता, मैं आ गया हूँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसे कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हम इस खंडहर से महफूज बाहर जाएंगे। तुम जानती हो, इस खंडहर में तुम्हें तुम्हारी ठाकुर माँ ने भेजा था पौनिता, किसी शुद्धिकरण के लिए, किसी शुद्धिकरण की परीक्षा के लिए, क्योंकि क्योंकि उनका और समाज का मानना है कि मेरी पौनिता अशुद्ध है, अपवित्र है। सब बेकार की बातें हैं पौनिता, बकवास है सब। अशुद्ध हो सकती है क्या भला? कभी नहीं। दुनिया की कोई लड़की अशुद्ध नहीं होती पौनिता, कभी नहीं होती। और मेरी पौनिता तो खास है, खास। पौनिता, तुम तो सूरज की रोशनी हो, वो रोशनी जो पूरे संसार को जगमगाएगी। ये जो तुम्हारी ठाकुर माँ है ना पौनिता, तुम्हारी ठाकुर माँ पूरा समाज ये रूढ़िवादी सोच और परंपराओं के कारण अंधे हो गए हैं। ये तुम्हारी काबिलियत नहीं देख पा रहे पौनिता, इसीलिए तुमसे ये सारी परीक्षाएं करवा रहे। मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा,
किसी हाल में नहीं। हम अभी यहां से चलेंगे, आओ अपना हाथ लाओ। जब तक आपके साथ नहीं जा सकती मैं सखा बाबू। क्यों नहीं जा सकती? संभल कर बो। मैंने वादा किया है ठाकुर मां से कि जब तक उन्हें माफी नहीं मिलती काका ससुर जी से, तब तक आपसे बात नहीं करूंगी। मैं अपना ठाकुर माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती सका बाबू। एक बात सच सच बताना बामिता, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे ही सखा बाबू किसी औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने देंगे? बामिता, मैंने खुद बात की थी काका से और मेरे कहने पर काका ने अपनी गलती मानी। वो ठाकुर माँ से माफी मांगने गए थे बोंदिता। काका ने अपने हाथ जोड़े पैरों में गिरने तक को तैयार हो गए पर ठाकुर माँ ने माफ नहीं किया उन्हें। ठाकुर माँ क्या हुआ? मुझसे कहा उस त्रिलोचन रॉय चौधरी ने कि वो जमींदार है, रॉय चौधरी है, किसी के आगे सर नहीं झुकाता। और ठाकुर माँ ने कहा कि माफी नहीं मांगी काका ससुर जी ने, बल्कि उन्होंने अपने हिस्से की कोठी के कागज ये कहकर कागज दिए कि ये उनकी गलती की और उनके अपमान की कीमत है। संभल के। और ठाकुर माँ ने मुझे कागज दिखाए भी थे। ठाकुर माँ शंख बच गई है। ठाकुर माँ चलिए ना, जाके बोंदिता को लेकर आते हैं। हाँ चलिए ना ठाकुर माँ, चल चल। बोंदिता, कोई कीमत नहीं थी। हाँ काका ने कागज दिए थे अपने हिस्से की कोठी के, लेकिन तुम जानती हो क्यों? क्योंकि काका को अपनी गलती का एहसास था बोंदिता। वो कागज किसी माफी के बदले में नहीं दिए गए थे बोंदिता, कोई कीमत नहीं थी वो। बोंदिता, जब काका की बारात लौट गई थी तब ठाकुर माँ के परिवार का बहुत अपमान हुआ था, उनके मान का, उनके सम्मान का, उनके पैसों का बहुत नुकसान हुआ था। इतना नुकसान कि उन्हें अपनी कोठी का हिस्सा बेचना पड़ गया और इसीलिए काका ठाकुर माँ को वो सब लौटाना चाहते थे जो उन्हें लगा कि उनके कारण छिन गया था ठाकुर माँ से। और कुछ नहीं बोंदिता, कोई कीमत नहीं थी। बोंदिता मेरी बात मानो, काका ने सच्चे दिल से माफी मांगी थी ठाकुर माँ से, लेकिन ठाकुर माँ माफी नहीं चाहती थी, वो कुछ और ही चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने काका के सामने ऐसी शर्त रखी जो कभी पूरी ना की जा सके, ये सच है। कैसी शर्त? मेरे दिल को तसल्ली मिले इसके लिए त्रिलोचन रॉय चौधरी को बाजे गाजे के साथ माफी मांगी हूँ। मेरा मुंह काला हुआ था सारे गांव के सामने, इन्हें भी अपना मुंह काला करना होगा। घोड़ी पे ना सही, मुंह काला करके गधे पे सवार होकर मेरे घर तक पहुंचना होगा और सबके सामने मेरे आगे नाक रगड़नी होगी। अगर ये तमाशा नहीं होगा तो बोंदिता भी वापस लौट कर तुम्हारे पास नहीं आएगी। मुझे माफ कर दीजिए सका बाबू, मैंने आपको गलत समझा, काका ससुर जी को गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बोंदिता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठाकुर माँ ने चल किया तुम्हारे साथ। बोंदिता चलो मेरे साथ, हमें भागना होगा यहाँ से।